हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी का वीडियो है और यह पाचन तंत्र एंड पोषण यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड आपका उपापचय मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके लिए फिजिकल एजुकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टॉपिक। जैसा कि मैं डेली बेसिस पर आपको फ्री में प्रैक्टिस करा रही हूँ, कंटिन्यू आप डेली बेसिस प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी वैकेंसीज आएगी उसमें आपका एक सीट होना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि यूपी टीजीटी पीजीटी अभी तक नहीं आया, नहीं कराया एग्जाम, यूपी एलटीवी 2018 के बाद अभी तक नहीं कराया, एंड एमपी वर्ग 2 अभी तक नहीं मेन एग्जाम कराया, और बीपीएससी टीआरई 4 जो है, टीआरई 3 का जैसे ही प्रक्रिया पूरा होगा टीआरई 4 आएगा, तो आप सब काम करते हुए इस पे ध्यान देते रहिए, जिससे आपका जो प्रॉपर प्रिपरेशन रहे वो बना रहे। आपको जो तुरंत जो एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको भार महसूस ना हो कि हमको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। डेली बेसिस पे करते रहेंगे तो आपके हैबिट में रहेगा और क्वेश्चन जो है आपको दिमाग में रहेगा, आपको उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो 20 क्वेश्चन है, सभी 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है एक भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इतना आपके जो ट्रिकी क्वेश्चन है और अंदर से डिफरी क्वेश्चन है जो आप छोड़ेंगे तो जरूर पछताएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही मिलान करें। तो यहाँ पे सही मिलान करना है, तो आपको देखना जो चीज़ आपको पहले आ रहा है, आने वाला चीज जल्दी से करिए। यहाँ पे हम सबसे पहले इसको मिलाने का बस एक ही तरीका आप अपना लीजिए, पहले ए बी सी डी ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि हम रोटी चावल अनाज इन सभी में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो डी का 2 हो जाएगा, डी का 2। उसके बाद आप देख सकते हैं जितनी भी सब्जियां हैं उन सब में विटामिन पाया जाता है, मतलब जल्दी से आंसर लाने का तरीका है। सब्जियों में क्या पाया जाता है, विटामिन सी का हो गया 4, सी का हो गया 4। अब बचा ए बी, सबसे पहले आप देख लीजिए कि अंडा हो गया, मीट हो गया, मछली हो गया, ठीक है, हम इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम होता है दूध में पाया जाता है, तो दूध, पनीर, दही, जितने भी दूध वाले आइटम्स हैं उससे प्रोटीन तो पाया ही जाता है, बट सबसे ज़्यादा चीज़ हम पाते हैं क्या, कैल्शियम, इसलिए सी ए का हो गया आपका 2। बचा बी, बी बचा तो मीट, अंडा, मछली, ये सब में क्या पाया जाता है ज़्यादा, प्रोटीन, तो बी का आपका हो गया 3। इस प्रकार आपका आंसर निकल के आ गया 2341। दोस्तों, यहाँ पे डी का 1 है, ठीक है, डी का हमारा क्या है, एक सेकेंड, डी का हमारा 3 हो गया ना, तो यहाँ पे डी का 1 है, 1, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा डी का 1 है, डी का 1 यानी रोटी चावल अनाज में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो डी का 1 है, ठीक है। तो 2341 कहाँ पे दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एमाइलेज, लाइपेज तथा ट्रिप्सिन एंजाइम उत्पन्न होते हैं। एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन एंजाइम आर प्रोसीड इन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीज, फास्फोलाइपेज, एस्टरेज, ये सभी अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से उत्पन्न होते हैं, स्रावित होते हैं। आपको पता है कि जो पैंक्रियाज है वो आपका मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आता है, जो हार्मोन से एंजाइम दोनों स्रावित करता है, और जो पैंक्रियाज यानी आग्नाशय है इसके आंतरिक संरचना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक को हम कोष्ठिका यानी एसिनस कोशिका कहते हैं, जो वही स्रावित रूप में काम करता है जो एंजाइम स्रावित करता है, एंजाइम बनाती है एंजाइम, और दूसरा होता है लैंगरहैंस की दीपिका, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसे हम दीपक कोशिका कहते हैं, जो एंडोक्राइन सेल के रूप में कार्य करता है, जो हार्मोन स्रावित करता है, अंतः स्राव का कार्य करता है। तो जो कोष्ठिका एसिनस कोशिका होती है उससे एंजाइम स्रावित होता है जो पूर्ण पाचक रस होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का पाचन होता है, करने में सहायक होता है, इसलिए जो अग्नाशयी रस होता है उसको पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। और इसमें एंजाइम होते हैं एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीज, फास्फोलाइपेज, एस्टरेज,
जबकि आपके हार्मोन्स होते हैं लैंगिग्रास की दीपिका से अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन, बीटा कोशिका से इंसुलिन, डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन एंड एफ कोशिका से पॉलीपेप्टाइड। यहाँ भी क्या पूछा है, एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन जो एंजाइम होते हैं कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, तो पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज में तो उत्पन्न होते हैं दोस्तों, लेकिन ये जो अग्नाशय नली जो जुड़ा रहता है कहाँ पे जुड़ा रहता है, छोटी याद के प्रथम भाग डेरुनम में, यहाँ उत्पन्न होते हैं। पैंक्रियाज होना चाहिए बट पैंक्रियाज ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पे जाकर के जुड़ते कहाँ है, इसका नली जुड़ता है छोटी याद के पहले भाग डोडिनम में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे पैंक्रियाज दिया रहता अग्नाशय तो अग्नाशय आपका राइट होता। यहाँ पे जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, जो लाइपेज होता है वह जो है पित्त रस के साथ मिलकर वसा यानी फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में परिवर्तित करके पचाता है। जो ट्रिप्सिन होता है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलकर प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, और प्रोटीन को जो हमारा अमाशय यानी स्टोमच में पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदला रहता है, उसी पॉलीपेप्टाइड को जो ट्रिप्सिन होता है वो पेप्टोन में बदल देता है। तो इस प्रकार ये आपका अग्नाशय सही होगा। पैंक्रियाज अग्नाशय नहीं दिया है तो इसलिए यहाँ पे डोडिनम, कहाँ पे जाके मिलता है भोजन में, तो डोडिनम में, उत्पन्न कौन करता है, तो अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि किस प्रकार की वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोग सही नहीं दे पाएंगे, जो थोड़ा अच्छा से पढ़ा होगा वही इसका आंसर सही देगा। आई होप कि आप सभी अच्छे राइट आंसर दिए होंगे। तो कौन सा हानिकारक नहीं होता, तो आपको पता है कि जो जो हमारा फैट होता है दो प्रकार का होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैट होता है हमारे लिए अच्छा होता है, बट सैचुरेटेड फैट भी दो प्रकार का होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट। जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है उसमें दो प्रकार के होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो जो यहाँ पे हानिकारक नहीं होता है कौन है आपका, बहुसंतृप्त यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, अगर पॉली अनसैचुरेटेड बहुसंतृप्त नहीं दिया रहता तो यहाँ पे असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड फैट राइट हो जाता, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या दे रहा है उसके अनुसार क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा वो आपको देखना है, ये नहीं कि आप याद कर लिए कि नहीं हम तो हमारे लिए अनसैचुरेटेड फैट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा होता है, लेकिन उसके भी दो भाग हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट। अब वो जो है अनसैचुरेटेड फैट के अलावा कुछ और ऑप्शन दे दिया तो आप फंस जाएंगे, इसलिए अनसैचुरेटेड फैट भी दो प्रकार का होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। तो जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो होता है हमारे लिए अच्छा होता है, आपको पता होना चाहिए कि अनसैचुरेटेड फैट हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, उसमें मतलब नियंत्रण रखना चाहिए, और सैचुरेटेड फैट जो होता है हमारे लिए अच्छा होता है, अनसैचुरेटेड फैट अच्छा होता है जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है जिसमें हमारा बादाम, काजू, मूँगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन आता है। यानी कि आप देख सकते हैं इसको मुख्य रूप से 3 भागों में, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट में बांटा गया है। जो सैचुरेटेड फैट होता है 20 डिग्री तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है, और अनसैचुरेटेड फैट जो है 20 डिग्री तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। और जो अनसैचुरेटेड फैट होता है कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है, हमारे लिए अच्छा होता है, इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा अच्छा होता है जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। जो अनसैचुरेटेड फैट होता है HDL उसमें अधिक होता है, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, और LDL कम होता है यानी कि सैचुरेटेड में इसकी विपरीत होता है। LDL की मात्रा बढ़ जाए यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ जाए तो ये शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, घातक होता है। यानी जो कोलेस्ट्रॉल होता है दो प्रकार का होता है, HDL LDL। HDL हमारे लिए अच्छा होता है, LDL अच्छा नहीं होता। तो जो अनसैचुरेटेड फैट होता है जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट उसमें HDL अधिक होता है जो गुड फैट होता है। आने में दोस्तों जैसा कि एक होता है तीसरा ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या होता है, हाइड्रोजेनेटेड होता है, जैसे कि डालडा, वनस्पति, बेकरी उत्पाद, फास्ट फूड, पिज्जा, पकौड़े, चिप्स आदि संतृप्त की तरह कार्य करते हैं।
यानी कि निष्कर्ष यहाँ पे ये निकला कि सबसे अधिक हमें हमको अनसेचुरेटेड फैट खाना चाहिए, जिसमें हमारा पॉली अनसेचुरेटेड हो जाता है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड। और जो सेचुरेटेड फैट है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, और जो ट्रांस फैट है उसको प्रतिदिन प्रतिबंधित करना चाहिए, ठीक है, उसको एकदम थोड़ा भी नहीं खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टार्च है, स्टार्च क्या है? मोनोसेक्राइड्स है कि डाइसेक्राइड्स है कि पॉलीसेक्राइड्स है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान से आंसर देना है। जैसे कि स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से 2 भागों में, सरल शर्करा जटिल शर्करा। सरल शर्करा जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जटिल शर्करा मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो सरल शर्करा होता है पाचन में आसान होता है, जो जटिल शर्करा होता है पाचन में जटिल होता है। तो उसको 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। सरल शर्करा को 2 भागों में, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, जो पाचन में थोड़ा आसान होता है। जो जटिल शर्करा होता है उसको पॉलीसैकेराइड में रखा गया है, ठीक है। तो जो मोनोसैकेराइड्स होता है शर्करा की एक अणु से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर आपका ग्लूकोज, फक्टोज, गैलेक्टोज आता है। जो डाइसैकेराइड होता है शर्करा की 2 अणु से मिलकर बना होता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज होता है, ठीक है। जो पॉलीसेक्राइड होता है शर्करा के 2 से अधिक अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज और काइटिन होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो स्टार्च है वो किसके अंतर्गत आता है, पॉलीसेक्राइड्स के अंतर्गत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शरीर के लिए अपेक्षित संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का अनुपात कितना होना चाहिए? तो दोस्तों आपको पता ही है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे डेली दिनचर्या में 55 से 60% हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, 10 से 15% प्रोटीन लेते हैं, 20 से 30% हम वसा लेते हैं। तो इन दोनों का तीनों का अनुपात होता है 4:1:1। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे आपको मिलाना है, फिर आपको उसी मेथड का प्रयोग करना है। पहले ए बी सी डी आपको लिख लेना है। तो आपको पता है विटामिन ए की कमी से विटामिन ए को हम रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन ए को का निर्माण जो है कैरोटीन पिगमेंट से होता है। विटामिन ए को हम संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, ग्रोथ विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से हमको जीरोथैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, कलर ब्लाइंडनेस यानी कुरांधता, एंड वाइटोट धब्बा, एंड कंजक्टिवाइटल एग्रोसिस, एंड एक
एटीपी अणु का निर्माण फैटी एसिड अपचय को ऑक्सीकरण उदाहरण के साथ सीधा संबंध है। सही है 100%। इसके आर क्या कहता है? बिन खाद पोषक के बीच अनेक अंतर रूपांतरण संभव है। प्रोटीन का उपयोग ग्लूकोज के संश्लेषण के लिए नहीं किया जाता। उसके बाद आप हम कहेंगे अब खनिज तो दोहा
में बांटा गया है एग्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल बृहद खनिज में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम आ गया। और जो माइक्रो मिनरल्स होता है सूक्ष्म खनिज, उसके अंतर्गत आपका आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, सेलेनियम, क्लोरीन आ गया। अब जो हमारा जैविक अणु यानी कार्बनिक पदार्थ है, पोषक तत्व है, उसको भी दो भागों में बांटा गया है, मैक्रो और माइक्रो। तो आपका जो होता है मैक्रो, मैक्रो बृहद पोषक, बी ऑप्शन पे चलते हैं, बृहद पोषक यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फैटी एसिड, फैटी एसिड बी का फोर हो जाएगा, बी का फोर जो हमारे शरीर को ज़्यादा आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। उसके बाद सूक्ष्म पोषक, सूक्ष्म पोषक में हमारा कौन आ जाएगा, विटामिन और जल आ जाएगा। तो विटामिन जो हमारे शरीर को इनसे कम आवश्यकता होती है, तो डी का क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड किसको कहते हैं, विटामिन B9 को रासायनिक भाषा में फॉलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका डी का हो जाएगा, आपका थ्री, डी का हो जाएगा थ्री। इस प्रकार 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप ध्यान से किसी चीज़ को पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अम्ल और लवण रस, अम्ल और लवण रस प्रधान आहार वात शामक होता है। तो बात सही है, आर क्या कह रहा है कि अम्ल और लवण रस प्रधान आहार वातक विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अपथ्य होता है। तो दोस्तों अपथ्य नहीं, पथ्य होता है, ये गलत दिया है आर आपका। तो ये सही है परंतु आर गलत है, ये सही है परंतु आर गलत है, सी आपका राइट हो जाएगा। अम्ल और लवण रस प्रधान आहार वात शामक होते हैं, वात शामक, ये बात सही है क्योंकि अम्ल और लवण रस ही भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। जब इनकी प्रधानता होती है तो भोजन का पूर्ण पाचन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वात का जन्म ही नहीं होता है। अतः जो तर्क आर है, अम्ल और लवण रस प्रधान आहार वातक विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अपथ्य है, यह गलत है क्योंकि यह तो पथ्य है, यानी क्योंकि विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए जो अम्ल और लवण होता है वो अच्छा होता है, पथ्य होता है, इसलिए आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कारक भी अभिकथन स्टेटमेंट बेस पे है, अभिकथन ए है कि आयु बढ़ने पर शरीर की संरचना में बदलाव मुख्य रूप से बेसल उपापचय दर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेस BMR की कमी और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण होता है। ये बात तो सही है, आयु बढ़ने पर शरीर संरचना में बदलाव होते हैं, आप जो बेसल मेटाबॉलिक रेस दर की कमी होता है और जो आपका एक्टिविटी कम हो जाता है उसके कारण होता है। आर क्या है इसके तर्क में कि शरीर को दुबला पतला बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि वसा की कमी हो और बढ़ता प्रोटीन संश्लेषण हो, ठीक है। तो उसमें आपको वसा कम लेना है और प्रोटीन संश्लेषण अच्छा लेना है। दुबला पतला का मतलब दुबला पतला नहीं है, मतलब एक सॉलिड यहाँ पे शरीर की बात कर रहा है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर जो है सही व्याख्या कर रहा है, तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि आयु बढ़ने पर शरीर की संरचना में बदलाव मुख्य रूप से बेसल उपापचय दर की कमी और रासायनिक जो फिजिकल एक्टिविटी है उसकी कमी के कारण होता है, यह सही है। शरीर को दुबला पतला बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वसा की कमी हो और बढ़ता प्रोटीन संश्लेषण हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। वसा की मात्रा अधिक होने पर क्या होता है, शरीर भारी भरकम और मोटा होने लगता है। तो वसा में कौन वसा, अभी जस्ट मैं बात की हूँ कि जो अनसेचुरेटेड फैट होता है हमारे लिए अच्छा होता है, उसमें पॉली अनसेचुरेटेड जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। हमारे लिए जो वसा का कौन सा मात्रा गलत है, जैसे सेचुरेटेड पर नियंत्रण रखना चाहिए, जैसे आपका मांस हो, डेयरी उत्पाद हो गया, कम खाना चाहिए। बट जो ट्रांस फैट है, हाइड्रोजनेटेड है, जैसे डालडा, रिफाइंड, ये सब चीज़ें आपके लिए बिल्कुल एकदम हानिकारक होती हैं, ये आपके लिए सही के लिए ज़्यादा हानिकारक होगा, लेकिन जब गुड फैट खाएंगे तो अच्छा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अभिकथन ए
ये है कि व्यायाम के दौरान समाप्त हो गए एटीपी पीसी के अधिकांश भंडार रिकवरी अवधि के 1 घंटा बाद पुनः स्थापित हो जाते हैं। तो इतना जल्दी स्थापित नहीं हो पाता दोस्तों, ये आपका गलत लग रहा है। और तर्क आर है कि फास्फोजन पुनः प्राप्ति के लिए अपेक्षित ऊर्जा मुख्यतः ऑक्सीजन डेट की त्वरित पुनः प्राप्ति पूर्वावस्था रिकवरी फेज में कार्यरत वायुजीवी व्यवस्था द्वारा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे आपका तर्क आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए गलत है परंतु आर सही है, डी सही हो जाएगा। क्योंकि जो ऑक्सीजन डेप्थ होता है, क्या होता है कि आराम की स्थिति में 1 मिनट में जितना हमारा हार्ट रेट होता है उसको हम मेजर कर लेते हैं, और जो फिर एक्सरसाइज या एक्टिविटी करते हैं उसके बाद जो रिकवरी फेज होता है उसमें 1 मिनट के हार्ट रेट को मेजर करते हैं, दोनों के अंतर को हम ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंसुलिन किसके द्वारा स्थापित होता है? आप सबको पता है इंसुलिन जो है पैंक्रियाज के द्वारा स्थापित होने वाला हार्मोन है, जो आपको इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाता है। तो हमारा अग्नाशय होता है, उसके लंगर है कोशिकाओं से अल्फा बीटा डेल्टा एंड एफ कोशिका निकलती है, जिसमें से अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन उत्पन्न होता है हार्मोन, तो यकृत को उत्प्रेरित करके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, इसी कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। जो बीटा सेल होता है इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न करता है, रक्त में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। इंसुलिन की कमी हो जाती है तो जो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में ज़्यादा नहीं बदल पाता है, जिसके कारण जो ग्लूकोज यानी शर्करा होता है रक्त में प्रवाहित होने लगता है, इसी को हम डायबिटीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जैसे कि आप जानते हैं स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, यहाँ पे मुख से आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि मुख से जो लार ग्रंथियाँ होती हैं जिससे हमारा टैली नामक एंजाइम्स निकलता है, जिसे हम सेलेवरी एमाइलेज भी कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है तथा स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। इस प्रकार पाचन का प्रारंभ, भोजन का पाचन का प्रारंभ जो होता है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, और पूर्ण पाचन पूर्ण अवशोषण होता है हमारा छोटी आंत में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से किस पोषकों के समूह की कमी से त्वचा प्रभावित होती है? दोस्तों हमारा जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है उन सभी के प्रभावित से हमारा त्वचा जो है प्रभावित होता है, तो हमारे बी कॉम्प्लेक्स किस में है यहाँ पे देख सकते हैं, विटामिन जो ऑप्शन नंबर बी है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी टू को वैज्ञानिक नाम है, नियासिन विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है, पायरीडॉक्सिन विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम है, पेंटाथोनिक विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम है। इस सभी की कमी से त्वचा जो है हमारी प्रभावित होती है। विटामिन बी वन को थायमिन कहते हैं रासायनिक नाम, बी टू को टाइबोफ्लेविन, बी थ्री को निकोटिनामाइड या नियासिन, बी फाइव को पेंटाथेनिक, बी सिक्स को पाइरिडॉक्सिन, बी सेवन को बायोटिन, बी नाइन को फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड, और बी ट्वेल्व को साइनोकोबाल्बिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विटामिन के की कमी से क्या होता है, व्हाट हैपेंस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के? दोस्तों आपको पता है कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का अच्छा से नहीं जमता, ये रक्त को थक्का जमाने में काम करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त संचरण में समस्या, रक्त संचरण में समस्या विटामिन के की कमी से। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए प्रोथोम्बिन के उत्पादन में मदद करता है, प्रोथोम्बिन जो है यकृत में उत्पादन होता है, प्रोथोम्बिन है फाइब्रिनोजन जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन के को भी दो भागों में बांटा गया है, के वन और के टू। विटामिन के वन को फाइलोक्विनोन या फाइटोमैनाडियोन कहा जाता है, जो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है ज़्यादा, जिसका सीधा संबंध फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण से होता है। के वन शरीर में जाकर के टू में परिवर्तित हो जाता है, के टू को मैनाक्विनोन कहते हैं, जो यकृत में संग्रहित रहता है। के टू जो संश्लेषण आंतों के जीवाणु द्वारा, जो हमारे बड़ी आंत
होती है, छोटी आंत होती है, उसके जीवाणुओं द्वारा लंबे समय तक जीवाणु रोधक लेने से आंतों के जीवाणु की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, यदि आप एंटीबैक्टीरियल जो आप दवा ले रहे हैं ज़्यादा लंबे समय तक लेते हैं, तो ये जो हमारे विटामिन के को बनाने वाले हैं, उसको संश्लेषित करने वाले हैं, वो जो है आपका खत्म होने लगते हैं। तो के की कमी से थक्का नहीं जमता, आंतें प्रभावित होती हैं, याद रखिएगा। हमारे थक्का जमने का एक सब लोग जानते हैं, बट विटामिन के की कमी हो जाएगी तो हमारे जो आंतें होती हैं वो प्रभावित होती हैं, पित्त की नली में अवरोध हो जाता है और प्रभाव वास्तव में ऑस्टियोमलेशिया भी हो जाता है विटामिन के की कमी से। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में मुख्य लार ग्रंथियाँ कितनी है, हाउ मैनी मेजर सेलिवरी ग्लैंड्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो आपको पता है कि मुख्य लार ग्रंथियाँ 6 होती हैं, जोड़े में पूछता है 3 जोड़ी होता है, क्योंकि दोनों तरफ 3-3 होती हैं। और यहाँ पे सीधे सीधे पूछा है कितनी होती हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें से 3 जोड़ी एक तरफ कान के नीचे और दूसरी तरफ, 3 होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। इससे लार ग्रंथि से टैलिन नामक एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है। जो टैलिन एंजाइम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइसोजाइम जो होता है भोज्य पदार्थों के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चों में खराब अंग विन्यास का मुख्य कारण क्या है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पोस्चर इन चिल्ड्रेन, पुअर पोस्चर इन चिल्ड्रेन। खराब अंग विन्यास का मुख्य कारण है कुपोषण। आपके जो संतुलित आहार है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, इनका उचित मात्रा में उपलब्ध न हो पाना, इसी को कुपोषण कहते हैं। तो यानी संतुलित आहार के अभाव में बच्चों में सूखा रोग, रतौंधी, यहाँ तक कि अंधत्व, अंधापन भी हो जाता है, ये सभी कुपोषण के ही परिणाम है, यानी कि मेलन्यूट्रिशन के, बच्चों में शारीरिक खराब, ये सभी कुपोषण के कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्न में से कौन सा तत्व केवल प्रोटीन में उपस्थित होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट ओनली इन प्रोटीन। जैसे कि आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है निश्चित मात्रा से, और जो वसा होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की अनिश्चित मात्रा से मिलकर बना होता है, जबकि जो हमारा प्रोटीन होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो वसा, कार्बोहाइड्रेट वसा दोनों में उपस्थित होता है, बट नाइट्रोजन ऐसा है जो केवल प्रोटीन में उपस्थित होता है। ठीक है, नाइट्रोजन ऐसा है जो केवल प्रोटीन में उपस्थित होता है। तो ये था आज के सेशन का 20 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का और वीडियो का शेयर भी कीजिए जिससे और लोगों तक वीडियो पहुंच सके। तो डेली बेसिस पे ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।